राज्य के मैकलोस्कीगंज में बीएसएनएल के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के काम में लगी एक निजी कंपनी के कंटेनर में आग लगने के मामले में पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से घटना में इस्तेमाल हथियार और मोबाइल भी बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्तों में चान्हो थाना क्षेत्र के महुआ टाण का रहने वाला रवि मुंडा, दिनेश उराव चान्हो थाना क्षेत्र के तेतर टोली का महेश उराव, मैकलोस्कीगंज का रूपेश पाहन उर्फ रूपेश मुंडा और मैकलोस्कीगंज का ही अनिश क्रिकेटा शामिल है। इनके पास से पिस्टल और 2 जिंदा गोलियां, 1 देसी कट्टा, 8 एमएम की 4 जिंदा गोली बरामद की गई है और अलग अलग कंपनियों के 5 मोबाइल भी बरामद हुए हैं, जिनमें से 2 मोबाइल लूटा गया था और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। आपको बता दें कि इन्होंने इस कांड में आग लगाने के कांड में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है। देखिए, आज जो है 2 महत्वपूर्ण कांडों का विभेदन हुआ। मैकलोस्कीगंज और खिलाड़ी के इलाके में अपराधी तत्व जो है लगातार जो है धमकी देकर रंगदारी मांग रहे थे। इसमें से एक दुखद घटना 28 मई की रात को घटी थी कि जब आग लगा दिया गया था और एक मजदूर उसमें जिंदा जल गया था उस कांड का, और एक 19 मार्च को भी जो है रंगदारी मांगी गई थी। उस दोनों कांड का उद्भेदन हुआ। इसी कांड में जो है 5 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें जो मुख्य सरगना है ये रवि मुंडा और रूपेश मुंडा है। उसके साथ जिस हथियार का उपयोग किया गया था घटनास्थल पर वो हथियार बरामद हो गया है। उसके साथ गोली बरामद हुई है। जो किरासन तेल जिसके द्वारा आग लगाया गया उसका बोतल प्राप्त हुआ, उस बोतल में कुछ बूंद किरासन तेल लोगों ने जो फेंका था वो बरामद हुआ इन लोगों की निशानदेही पर, और पूरे घटना का जो है उद्भेदन हो गया है।